बच्चों, स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरी है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। और अनुशासन लाएंगे हम, क्योंकि प्रिंसिपल हैं हम। राठी सर को भी अनुशासन पे भाषण आज ही देना था। हाँ यार, आज तो 11 बजे मेगा रोबोट का नया गेम लॉन्च होने वाला है, और जो सबसे पहले पहुँचेगा उसे एक पोस्टर मिलेगा एकदम फ्री। अब कैसे होगा? सबको रेगुलर क्लास अटेंड करनी होगी। कोई एब्सेंट पाया गया तो कड़ी सजा मिलेगी। जब कोई एब्सेंट होगा तो सजा किसको देंगे? उसके भूत को। क्लास तो बंक करना ही होगा, नहीं तो मेगा रोबोट का पोस्टर नहीं मिलेगा। आइडिया कहानी दला। इनके प्लान का तायल तो मैं पंतल करूंगा। बच्चों, गांधी जी के कितने बंदर थे? सर, 3। हाँ, मुकेत, गणेश और लवेद। जीवा, किसी का ऐसे मजाक नहीं करते, समझे? और कौन बताएगा कि उन बंदरों की क्या विशेषताएं थी? नहीं, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं। पहले मैं। पहले मैं। नहीं मैं। क्या बात, आज पहली बार तुम दोनों जवाब देने के लिए लड़ रहे हो। हाँ, तो तुम बताओ बदरी, गांधी जी का बंदर क्या करता था? सुसु। क्या बक रहे हो? सर, बदरी को सुसु करने जाना है। मैं जाऊँ? जाओ, जल्दी आना। हाँ, तो एक बंदर अपना हाथ अपना मुंह पर रखा था और दूसरा क्या करता था? सर, सुसु। अरे, आप किसको सुसु लगा है? सर, मुझे। तुम लोग पढ़ाई कम करते हो और सुसु ज्यादा करते हो। लेकिन सर। अब बैठ जाओ, वो वापस आएगा तब तुम जाओगे। हाँ। टाइ टाइ। ए, नीचे उतरो, नीचे उतरो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे पाटिल अंकल, हम मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे, आपने सब चौपट कर दिया। चौपट कर दिया? हमको पोपट समझता है तुम लोग? एक्सरसाइज ग्राउंड में होता है कि गेट पर? है? ये रॉक क्लाइंबिंग की एक्सरसाइज है पाटिल अंकल, आज ही दुबे सर ने सिखाई है। अच्छा, अब जल्दी से क्लास में जाओ वरना दुबे सर मुर्गा एक्सरसाइज भी सिखाएंगे। अरे यार, कूद क्यों रहा है? ये मेरी पीठ है, बास्केटबॉल का ग्राउंड नहीं। बिना कूदे हमारा गोल पूरा नहीं होगा। पोस्टर चाहिए तो थोड़ा सहन कर ले। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि अब स्कूल की दीवार लांग कर भागने लगे हैं? नहीं सर, वो हम दीवार की ऊंचाई नाप रहे थे। हाँ सर, वो मैथ में एक सवाल था ना कि दीवार की ऊंचाई कैसे नापी जाती है। चुप रहो, चलो जाओ और क्लास के बाहर मुर्गा बनो। दोस्त, हमारी किस्मत में मेगा रोबोट नहीं, मेगा मुर्गा बनना लिखा है। हाँ, इससे अच्छा तो हम आज स्कूल ही नहीं आते। बहुत कम टाइम है, अगर अभी नहीं निकले तो पोस्टर गया हाथ से। वो देख, लगता है मेगा रोबोट ने हमारी सुन ली। अंकल, मेगा रोबोट का गेम दीजिए। और वो फ्री वाला पोस्टर भी। पोस्टर? पोस्टर हो गया छूमंतर। क्या? पर हम तो सबसे पहले आए हैं। तुमसे पहले भी कोई आया था, वो ले गया। हम स्कूल लेट पहुंच सकते हैं, लेकिन मेगा रोबोट के लिए कभी लेट नहीं हो सकते। लेकिन लेट तो तुम हो चुके हो। अरे हम लेट नहीं, टाइम से पहले आए हैं। अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं। माथा मत खाओ, जाओ यहाँ से, पोस्टर कोई और ले गया। अरे, हम इतने खतरे उठाकर आए हैं और तुमने पोस्टर किसी और को दे दिया, हम छोड़ेंगे नहीं। लो,
आधे घंटे लेट आए हो तुम लोग। अब चुपचाप यहाँ से 9:00-11:00 हो जाओ। क्यों बदबू? कहती लई। जीवा तू यहाँ? ये देखो मैं दीद गया, तुम लोग हार गए। ये पोस्टर तेरे पास? पर तुझे कैसे पता चला कि आज पोस्टर मिलने वाला है? ये बात तो तब सीक्रेट थी। मैं जीवा हूँ जीवा, मेरे सामने कोई टिकलेट नहीं चलता। देख जीवा, इस पोस्टर पर हमारा अधिकार है। ए तो ये अधिकार की बातें किसी और को बताना। पर तू इस पोस्टर का करेगा क्या? तू तो मेगा रोबोट गेम खेलता भी नहीं है। और वैसे भी मेगा रोबोट गेम खेलने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। तुम्हारी हिम्मत कहते हुए मेरे दिमाग के बारे में बात करने की। इधर लो। अगर मेरे पास दिमाग नहीं होता तो मैं ये पोस्टर पहले कैसे लेता? अरे मेरा पोस्टर, मेरा पोस्टर कहाँ गया? टीले पास मेरा पोस्टर तोल कहीं के जीवा से तोली करता है। इस बकरी ने तेरा पोस्टर लिया था, मैंने बकरी से ये पोस्टर लिया। झूठे बेताली, बकरी को बदनाम करता है। कल को बोलेगा बकरी वीडियो गेम भी खेलती है। लुक, तुझे बताता हूँ। बुद भाग। देर, मेरा पोस्टर ला। इसे पोस्टर मत देना। मेरे कपड़े खराब हो गए मम्मी। कोई बात नहीं जीवा, मम्मी धो देंगी। मेरी मम्मी का मजाक उड़ाता है, अभी बताता हूँ। तूने फिर से बेईमानी की। एक था दो दो लल्ले हो, पर कोई बात नहीं, एक जीवा तुम दोनों पर भारी पड़ेगा। जीवा, ये तूने सही कहा, तू भारी है इसीलिए तो दौड़ नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, मेरे पास आ जा बद्री, तू घर पहुँच, मैं इससे निपट कर आता हूँ। उधर कहाँ जा रहा है जीवा? तुझसे बाद में निपटूंगा। डर गया ना, मुझसे डर गया तू? डरपोक। क्लास छोड़कर तुम लोग यहाँ जलपरी बनकर खेल रहे हो? बाहर आओ तुम तीनों। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मुर्गा छोड़कर यहाँ पानी में मछली बनकर तैर रहे हो? चल मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं सर, जीवा ने हमारे मेगा रोबोट का पोस्टर। चुप करो, तुम लोगों को इसका बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। अब चलो साहब, हमारे पीछे दौड़ लगाओ स्कूल तक। और फिर मुर्गा बना रहना स्कूल की छुट्टी होने तक। चलो। हमारे पोस्टर का ये कबाड़ा हो गया, सब तेरे कारण हुआ है जीवा। ए, मुझको दोष मत दे, तू ही नदी में कूदा था। अब झगड़ा करके क्या फायदा, वैसे भी पोस्टर फट गया है। हाँ, फटा पोस्टर निकला जीरो। अरे मुझे एक टुकड़ा तो दे दो। दे दे, इसको छोटा वाला टुकड़ा दे दे, ये भी क्या याद रखेगा। इतना छोटा टुकड़ा? रख ले रख ले, अगली बार वो भी नहीं मिलेगा। अगली बार मैं भी मेगा रोबोट ले आऊंगा और खूब खेलूंगा। पर खेलने के लिए दिमाग कहाँ से लाएगा? क्या बोला? रुक, अभी बताता हूँ।
हाँ?